श्री पाटीदार जी नमस्ते। सादर प्रणाम प्रधानमंत्री जी। प्रणाम जी, बताइए मनोज जी। सर मेरा नाम मनोज पाटीदार, पिता रामेश्वर जी पाटीदार, ग्राम चिकलिया धार जिला मध्य प्रदेश से मैं बात कर रहा हूं। सर मेरे परिवार में हम 6 सदस्य हैं। मेरे माता पिता, मैं, मेरी पत्नी, मेरी एक बेटी और एक बेटा है। यहाँ सब आपके आपसे रूबरू होने आए हैं सर यहाँ। अरे वाह। और मैंने कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की है और बाकी की पढ़ाई मैंने परम पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले जी द्वारा निर्मित जो तत्वज्ञान विद्यापीठ, उनका जो गुरुकुल है, बाकी की पढ़ाई मैंने वहां की है। तो कहाँ, अहमदाबाद वाले तत्वज्ञान में पढ़ते थे कहीं और? जी सर, अहमदाबाद भी गया था और मुंबई भी एक वर्ष के लिए गया था। अच्छा। और मेरे संयुक्त परिवार की सब होके 6 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें मैं रबी में गेहूं, चना, मटर, लहसुन और प्याज की खेती करता हूं और खरीफ में सोयाबीन और मक्का की खेती करता हूं। सर क्या अनुभव है बताइए, क्या लाभ हो रहा है, सरकार की किस योजना का लाभ रहे हैं आप? सर मुझे किसान सम्मान निधि 5 बार की मिली है और 5 बार मिली और 10,000 टोटल रुपए मुझे प्राप्त हुए, जिसका मैंने अपनी दवाई, खाद, बीज जहां जैसी जरूरत लगी वहां वैसा मैंने उसका उपयोग कर लिया। ट्रैक्टर भाड़ा जरूरत पड़ी तो वहां भी दे दिया, मतलब मुझे उसका सही टाइम टू टाइम उसका पेमेंट आया और उसको मैंने उपयोग कर लिया। इस साल जब से ये नए कृषि सुधार कानून आए हैं, उसके पहले जो फसल आपने बेची है, तो इससे आपके जीवन में पहले और आज की तुलना में क्या फर्क आया, कोई अंतर समझा सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले ये जो नया कृषि कानून जो आया है, इसकी वजह से आज एक हमें नया विकल्प मिल गया है। पहले एक ही हमारे पास एक ही द्वार था, वो था मंडी का, लेकिन अभी हम किसी निजी व्यापारी या किसी अन्य संस्थान को हमारा माल हम बेच सकते हैं। इस साल मैंने खरीफ की जो फसल है सोयाबीन, मैंने सोया चौपाल ITC कंपनी को 41 रुपए क्विंटल से टोटल 85 क्विंटल सोयाबीन मैंने बेचा। वहां मुझे उसकी खासियत ये लगी चौपाल की कि वहां पे एक दिन पहले ही हमें दर प्राप्त हो जाती है और हमारे सामने बड़ा कांटा होता है, उसे हमारे सामने चेक भी करवाया जाता है और सेम डे हमें पेमेंट मिल जाता है। और वहाँ की दूसरी भी अच्छी खासियत है कि हमारा जो माल है हमारे सामने, उसका परीक्षण किया जाता है कि भाई इसमें इतनी दागी है, इतनी मिट्टी है, इतना मॉइस्चर है, और वो हमें डिटेल में सब बता देते हैं कि भाई इतना इतना है, आपको चाहे तो ये रेट है आपका, आप चाहो तो बेचो या आपकी इच्छा। तो नए कृषि कानून से मुझे ये जो एक और द्वार मिला है हमारा माल बेचने का, ये बहुत अच्छा लगा। आपको संतोष है? जी सर। आपके इलाके के और भी किसान फायदा उठाते हैं? बहुत किसान उठाते हैं सर। अच्छा, फिर कुछ नेता जो अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए अपनी राजनीतिक विचारधारा किसानों के नाम पर थोपने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इससे तो किसानों को बड़ा नुकसान होगा, आप तो खुद किसान है और आप कह रहे हैं फायदा होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है प्राइवेट वाले दाम इधर उधर करके, मिट्टी है, टिकना है, फलाना है, और आपके पैसे काट लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना सर? अगर ऐसा वो बता देंगे तो हम हमारा माल देंगे ही नहीं, और दूसरी बात वो हमें हमारा पूरा परीक्षण हमारे सामने करके देते हैं, मतलब अलग से किधर लेके नहीं जाते, हमारे सामने हमको बताते हैं कि ये इसमें इतना मिट्टी है तो इतना पेमेंट इसका कटेगा या नहीं कटेगा, या तो वो हमें सलाह दे देते हैं कि आप भाई इसको ग्रेडिंग करके ले आओ, मॉइस्चर हो तो सूखा कर ले आओ। यानी आपको पूरी तरह विश्वास है कि इस नई व्यवस्था से किसान को सचमुच में लाभ होगा? हाँ, हमें बिल्कुल विश्वास है सर। चलिए मनोज जी, मैं बहुत आभारी हूँ आपका और आपके पूरे परिवार के लोग यहाँ आए हैं, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। और आपने सर, मेरा एक निवेदन है सर। जी जी बताइए सर। हमारे कृषि में हमें
अभी जंगली जानवर हमें बहुत परेशान हो रहा है, जिनको घोड़ा रोज बोलते हैं, हाँ, ये बात सही है आपकी। तो हमारे किसान लोग बहुत परेशान हैं। मुझे आज एक जगह मिल गई है कि डायरेक्ट मैं आपसे ये बात कर नहीं, ये बात सकूं, सही तो है। मैं कई जगह पे ये, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तब भी ये समस्या मेरे सामने आती थी, लेकिन इस देश में अभी जो ये किसान आंदोलन के नाम से बैठे हुए हैं, उन्हीं की विचारधारा के उस दूसरे लोग एनवायरमेंट के नाम पर आंदोलन चला करके अगर किसी किसान ने किसी पशु को मार दिया तो उसको जेल भिजवा देते हैं यही लोग। यानी वो उधर एक आंदोलन चलाना, इधर दूसरा आंदोलन चलाना, क्योंकि उनकी राजनीतिक विचारधारा से करते हैं और इसके कारण। लेकिन ये बात सही है कि इसका समाधान हम सबको मिलकर निकालना होगा और हिंदुस्तान के कई कोने में ये इस प्रकार की समस्या है। लेकिन मनोज जी, मैं आपका आभारी हूं, आपने इस बात का मेरे ध्यान पर आकर्षित किया। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर।